अगर आपसे ये सवाल पूछे कि आपके लिए खुशी और हर्ष की अवधारणा क्या है, तो आप क्या कहोगे? अरे अरे, आप तो उस सोच में पड़ गए। कोई ना, सोचिए सोचिए। आखिर हम भी तो सोच ही रहे हैं कि ये खुशियाँ ही है क्या। मेरे को देखो यार, काश मैं डिंपल जैसी गोरी होती। एक भी लड़का मेरे को भाव नहीं देता है और डिंपल चार चार घुमा रही है। मैं अभी 5 मिनट में भेजता हूँ आपको मेल। कॉर्पोरेट वर्कर हूँ भाई, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपना मराओ। और काम से ज्यादा तो बॉस का चक्कर 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 सुनना पड़ता है। बुढ़ा एक नंबर का, छोड़ दूंगा मैं कभी एक दिन। क्या बताऊं मैं क्या बताऊं? ये मेरे फोन पिछले 2 दिन से टूट के पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है इसका। ये गया इस डब्बे के, और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन घर वाले ने बोल दिया, बेटा इस महीने चला लो, अगले महीने तुमको दिला देंगे। कोई जरा बताएंगे मेरे को, मैं इस महीने क्या करूं? इस फोन को लेके इसकी आरती उतारूं मैं? लो जी देखिए, है मैं इसका डाल। बताइए, इतना घटिया डाल कौन बनाता है? आफत हो गई है जिंदगी का। क्या हो गई है? आफत। ये जस्ट फ्रेंड क्या होता है भाई? उसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम, कॉलीग्स के ताने। मेरा तो कोई परवाह ही नहीं है किसी को। मेरा तो वजन कितना कम हो गया, झंड करके रखा है जिंदगी को। व्हाई एम आई इवन अलाइव? आज हाफ डे है क्या? जिंदगी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग है तो फिर खुशियां है कहाँ? क्या आपने कभी गौर किया है, जिन लोगों के पास उचित आश्रय नहीं है, अगले भोजन की निश्चितता, शायद एक सुरक्षित और सुरक्षित भविष्य या एक प्यार करने वाले परिवार की कमी है, वे अक्सर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें निश्चित रूप से मुस्कुराने के लिए बड़े कारणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुश रहने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जीवन का उपहार मिला है और जीवन को छोटी छोटी चीजों से मनाया जा सकता है। हमें खुश रहने के लिए हमेशा महंगे उपहारों, सुंदर स्थलों या भव्य जीवन शैली की आवश्यकता नहीं होती है। हम खुश रह सकते हैं सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ चाहते हैं। हमें जो कुछ मिला है उसे महसूस करके और दूसरों के साथ तुलना ना करके, और जो हमने नहीं किया उस पर पश्चाताप ना करके हम खुश हो सकते हैं। As Khalil Gibran had said, your joy is your sorrow unmasked. So life would never be free of pain or sufferings. But the extent of our joy and happiness will depend on how much we are able to extract out the positivity in a situation, celebrate life, and cherish its little blessings.